करेगा। कथाएं हो या ना हो, हम घर बैठकर माला जप लेंगे, भूखे मर जाएंगे, पर ऐसी कथाएं नहीं करेंगे। हमारी ये प्रार्थना है। इस वीडियो को जरूर जन जन तक भेजें। धन्यवाद। आज हमारा मन बड़ा आहत है सोशल मीडिया के द्वारा जो एक पोस्ट बार बार प्रसारित की जा रही है, हमें बताया गया है। हम हमेशा से बोलते रहे हैं और आज भी स्पष्ट मत से कहते हैं, धर्म धंधा नहीं है, धर्म व्यापार का विषय नहीं है, धर्म भावना का धारणा का विषय है, धर्म को धारण किया जाता है। बागेश्वर धाम के नाम से हमने अनेक बार सजग किया, आए दिन फ्रॉडगिरी की जाती है, बागेश्वर धाम के नाम से आए दिन उगाही की जाती है। हमारी प्रार्थना है ऐसे किसी भी कृत्य में ना पड़ें, चाहे वो कथा के आयोजन की उगाही हो, चाहे वो दरबार के नाम की उगाही हो। धाम किसी भी प्रकार की उगाही स्वीकार नहीं करता है। बागेश्वर धाम पीठ अथवा हमारी व्यासपीठ की कथा किसी भी प्रकार की धनराशि उगाही के लिए मान्यता नहीं देता है। कोई कथा आयोजन के लिए समिति आती है, आपस में अगर वो जोड़ लेते हैं तो वह बात अलग है, पर धाम पर किसी भी धाम के द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि आप कथा के लिए धन उगाओ या धाम के लिए दो। ऐसा धाम ने कभी कतई नहीं कहा। कथा हो या ना हो, धर्म धंधा का विषय नहीं है। ललितपुर की कुछ पोस्टें हमें देखने को मिली हैं जो बताया गया है, इस कारण से हमने ललितपुर की कथा स्थगित कर दी है। हम वह कथा नहीं करेंगे जहां धंधा हो। और दूसरी बात, इस वीडियो से सावधानी भी है मुंह चलाने वालों को और ये कार्य करने वालों को, कि अब सावधान हो जाओ। आगे जीवन में कभी ऐसी कोई गलती करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कानूनी कार्यवाही तो होगी, ईश्वर से हम प्रार्थना भी करेंगे तो दंडात्मक ईश्वरीय कार्यवाही भी होगी। फिर मत कहना हमने सावधान कह दिया। बागेश्वर धाम निशुल्क था, है, रहेगा और धर्म धंधा नहीं है, धारणा का विषय है। और बागेश्वर धाम इसका कभी समर्थन नहीं करेगा। कथाएं हो या ना हो, हम घर बैठकर माला जप लेंगे, भूखे मर जाएंगे, पर ऐसी कथाएं नहीं करेंगे। हमारी ये प्रार्थना है। इस वीडियो को जरूर जन जन तक भेजें। धन्यवाद।